नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। शुरू करते हैं प्रमुख खबरों के साथ। आजादी के बाद भी सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए मोहताज जनता ने अब उग्र रूप धारण कर लिया है। ग्रामवासियों ने प्रशासन और स्थानीय विधायक को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनके आवागमन के मार्ग का कार्य सुधार नहीं किया जाता तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेंगे। दरअसल मामला सिमरिया विधानसभा के बीणा ग्राम पंचायत का है, जहां आज भी कई वार्डों में आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर किसी मरीज को अतिशीघ्र अस्पताल पहुंचाना हो तो रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। गर्भवती महिलाओं का अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रसव हो जाता है। स्थानीय लोगों ने स्थानीय विधायक पर आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बाद विधायक के दर्शन नहीं हुए। कलेक्टर, जिला CEO, SDM से लेकर सभी अधिकारियों को अपनी समस्या बता चुके ग्रामीण अब उग्र आंदोलन करने के मूड में नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों की पीड़ा। 27 वर्ष से इस तरह की रोड बनी है, अधिकारियों की, यहाँ की भीड़ा की, जनता जनार्दन दरवाजा खटखटाट चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यहाँ की ऐसी दयनीय हालत है कि अगर किसी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकता है, वो रास्ते में ही दम तोड़ देगा। किसी बहन की या किसी की अगर डिलीवरी हो रही है तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पा रही है। इस तरह की दयनीय हालत है। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है, हमारे सिमरिया के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनकी लापता है, उनकी कोई पता नहीं है। आम जनता बेचारी परेशान है, त्रस्त है, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। जनता मर रही है और ये नहीं चलेगा। ये जनता जनार्दन के साथ ये कदापि नहीं चलेगा। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन की हत्या नहीं होगी। अगर इस बेड़ा पंचायत में अगर 15 से 20 दिवस के अंदर अंदर कार्य नहीं हुआ, रोड का कार्य नहीं शुरू हुआ, तो हम सभी ग्रामीण जनों के साथ अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन होगा। तो यहाँ पर देखा तो यहाँ दो पेशेंट एडमिट है, यहाँ कोई प्रशासनिक डॉक्टर नहीं है, ना नर्स है, ना सिस्टर है। यहाँ पर इस तरह का भ्रष्टाचार मचा हुआ है हर जगह। यहाँ पर दो पेशेंट एडमिट है, यहाँ पर एक नर्स नहीं है। अगर कोई पेशेंट को जुम्मे कुछ हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? यह शिवराज सरकार इतनी भ्रष्ट सरकार है कि यहाँ पर लोग मर रहे हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार मचा है कि यह स्वास्थ्य केंद्र बीड़ा है, यहाँ पर एक भी आदमी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो ना तो डॉक्टर है, ना नर्स है, ना यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, कोई व्यक्ति नहीं है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज, नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारे। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।